जी सर, ये आयुष्मान भारत स्कीम एक प्रधानमंत्री द्वारा संचालित एक ऐसी स्कीम है जिसमें हम गरीब परिवारों को जो बीपीएल से नीचे हैं उनको 5 लाख रुपए तक का बीमा फ्री में कराते हैं। इनका हम रजिस्ट्रेशन करते हैं और एक गोल्डन कार्ड देते हैं। इस गोल्डन कार्ड के तहत उनको जब भी कोई बीमारी होती है, जब वो दाखिल हो जाते हैं, तो उनको 5 लाख रुपए तक का इलाज फ्री में दिया जा सकता है। हालांकि ये स्कीम केवल इंदौर के लिए है, पर जिन मरीजों को, क्योंकि पैसों की ज़रूरत ज़्यादातर उन्हीं मरीजों को होती है जिनको दाखिल होना पड़ता है, जिनको इलाज कराने के लिए ऑपरेशन कराना होता है या कोई और ऐसी बीमारी होती है जिसके इलाज के लिए बहुत खर्चा होता है। ओपीडी में तो हमारे यहाँ पीजीआईएमएस रोहतक में वैसे ही सब कुछ सुविधाएँ फ्री हैं, परंतु कुछ चीज़ों के लिए जब वो दाखिल वार्ड में हो जाएँ तो उनको अगर पैसा खर्च ना करना पड़े, इसलिए आयुष्मान भारत स्कीम लागू की गई है। इसके तहत लगभग 10 करोड़ परिवारों को कवर किया जाएगा, जिसमें परिवार में अगर एक परिवार में 5 आदमी ले जाएं तो लगभग 50 करोड़ लोग इससे लाभान्वित होंगे। हमारा सप्ताह नहीं है, पखवाड़ा पूरा एक महीने का पखवाड़ा मनाया जा रहा है जो 15 सितंबर से लेकर 14 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें मैं सब आपके माध्यम से यही संदेश देना चाहता हूँ कि जिन लोगों को जो बीपीएल की कैटेगरी में नीचे आते हैं, जिनको गोल्डन कार्ड बन सकता है, वो अपना इस अवसर का फ़ायदा उठाएं, अपना कार्ड बनवाएं, ताकि उनको कहीं भी फिर यदि इवन वो पीजीआई में भी कार्ड बनवाते हैं और उन्हें इलाज कहीं और भी कराना पड़ता है तो भी उनका इलाज 5 लाख तक का फ्री में होगा। ये 15 बन चुके हैं और उनसे पहले भी काफ़ी कार्ड बन चुके थे। हमने एक इसलिए भी ये यहाँ पर इसलिए शुरू की है ताकि जो भी ओपीडी पहले एक्चुअली ये हमारी स्कीम केवल इंडोर में थी, उधर पुरानी बिल्डिंग में थी, पर हम तो हमने बाद में अभी यहाँ पर लागू किए, क्योंकि मैक्सिमम मरीज जो ओपीडी में आते हैं उनको जानकारी देनी हो तो यहीं पर दी जा सकती है। यहाँ पर लगभग हमारी 7-8 हज़ार जो दिल्ली की ओपीडी की प्रेजेंस है, उसके साथ फिर अटेंडेंट भी आते हैं, तो लगभग 15-20 हज़ार लोग यहाँ डेली आते हैं। तो हम उनको ये संदेश देना चाहते हैं कि आप लोग अगर इस स्कीम के तहत आते हैं तो इस स्कीम का फ़ायदा उठाएं और अपना रजिस्ट्रेशन गोल्डन कार्ड बनाएं, ताकि कभी ज़रूरत पड़ने पर आपका इलाज करवाना पड़े तो 5 लाख रुपए तक का इलाज मुफ्त में हो सके। इसीलिए तो हमने कहा है जो ही हमें ये हमारे जो पेशेंट अटेंडेंट मेन गेट से एंटर करते हैं, हमने ये स्टेशन बनाया हुआ है जिस पर आयुष्मान भारत का कार्ड बनाया जाता है। ये एक दूसरा कार्ड हमारे वहाँ पर भी है जो मरीज दाखिल हो जाते हैं, अगर उनको वायदे अभी वैसे तो हम सभी से पूछते हैं पर वायदे खोए रह गए हैं, तो वहाँ पर भी हमने एक स्टेशन बनाया हुआ है जहाँ पर आयुष्मान भारत का रजिस्ट्रेशन होता है, तो यहाँ भी रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और अगर आप वायदे यहाँ पर चूक कर गए हैं, जान पहचान नहीं थी आपको या आपको मालूम नहीं था, आपके दिमाग में नहीं थी, नॉलेज में नहीं थी, जानकारी में नहीं थी, तो आप वहाँ जब इंदौर में दाखिल होते हैं, जब आप इंदौर का आईडी नंबर डालते हैं, तो उसके पास भी हमारा ये आयुष्मान भारत का रजिस्ट्रेशन काउंटर है, वहाँ पर दाखिल होने से पहले आप रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं और उसके बाद दाखिल हो सकते हैं। इसमें आयुष्मान कार्ड जो सरकार की स्कीम है जिसके तहत जो बीपीएल वाले परिवार वाले हैं वो इस तहत स्कीम के तहत आते हैं। आर्थिक रूप से भी वो ले सकते हैं कौन जी? जो आर्थिक रूप से कमजोर है, हाँ उन्हीं के लिए है जी, या इकोनॉमिकली वीकर उन्हीं के लिए स्कीम है ये, जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, ताकि वो 5 लाख रुपए तक का इलाज अपने इंदौर का इलाज फ्री में करवा सकें।